नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो आपके सामने ऑटोमेटिक प्रेस दिखाई दे रहा है, इसमें अंदरूनी फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेस खोलने के बाद, यहाँ पर आप विभिन्न भागों को देख रहे हैं। यहाँ पर मेन लीड को हम चेक करना पहले देखेंगे। मेन कॉर्ड कैसे चेक की जाती है, जैसे कि हमने अगले वीडियो में आपको जानकारी दी थी, इसके अंदर ये कोडिंग होती है। कोडिंग के हिसाब से ये वायर इससे कनेक्ट होते हैं। इसी हिसाब से हम देखेंगे, इसे सीरीज टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लेते हैं। अलग अलग वायर है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक कलर का इसके साथ न्यूट्रल के साथ इसकी कंटिन्यूटी आना चाहिए और किसी के साथ नहीं आना चाहिए। पहला वायर हम इस प्रकार से चेक करेंगे। दूसरा जो रेड कलर का दिख रहा है, ये लाइन या फेस वायर के साथ इसकी कंटिन्यूटी बताता है और इन दोनों के साथ नहीं बताना चाहिए। फिर लास्ट में हम अर्थ को देखते हैं। यहाँ से अर्थ मोटे वाला पिन पे, यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यूटी बताना चाहिए इसके, और ये इन दोनों के साथ नहीं बताना चाहिए। अगर बताता है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट मानेंगे या शॉर्ट मानेंगे लीड को। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लगाया एक वायर और यहाँ देखते हैं, ये बताता है लैंप पूरी गति से जल रहा है, पूरा प्रकाश दे रहा है। ये बताने के बाद हम इस पे देखते हैं। ये इसलिए देखते हैं, कहीं अंदर से ये कहीं कट लगने से आपस में तो जुड़ा नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये इसके साथ तो बता रहा है, ये इसकी कंटिन्यूटी है, और इसके साथ नहीं बता रहा है, इन दोनों के साथ ये इन दोनों के साथ नहीं मिला है। फिर हम दूसरा वायर चेक करेंगे, फेस वाला। ये फेस वाला फेस के साथ ही बताना चाहिए और ये न्यूट्रल और अर्थ के साथ नहीं बताना चाहिए। अगर बता देता है तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो यहाँ पर ये एसी के साथ बता रहा है, तो मतलब इसकी निरंतरता जो है सही है। फिर हम देखेंगे अर्थिंग का, ग्रीन कलर का इसके साथ बताना चाहिए, इन दोनों के साथ नहीं बताना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेन कार्ड की यही टेस्टिंग होती है, और मेन कार्ड सब में लगा होता है, सब मेन लीड जो है सब में लगी होती है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं तीन कोर है, दो कोर होता है तो दोनों को भी देख लेते हैं, तीन कोर है तो तीन के लिए देख लेते हैं। तो ये हम इससे हम पता चल जाता है कि मेन कार्ड हमारा ओके ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेस का। प्रेस एलिमेंट को हम देखेंगे, यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले एलिमेंट को। एलिमेंट के लिए फिर हम टेस्टिंग लैंप का यूज करेंगे और टेस्टिंग में लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर लगाने के बाद हम देखते हैं, ये इस प्रकार से दोनों पॉइंटों पे यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाने के बाद आप लैंप पे देख सकते हैं स्लो गति से जल रहा है। स्लो गति से जलने से हमें समझ में आता है कि इसका एलिमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो ये ओके है इसका सर्किट। अगर नहीं बताता है तो एलिमेंट खराब हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम इसको चेंज करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, तो स्विच की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये दो पॉइंट है स्विच के, स्विच को हम जब चेक कर रहे हैं तो इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, मतलब ओपन सर्किट बना रहा। तो जब हम इसको स्विच को ऑन करके देखते हैं, ये जैसे कि आपने देखा कि इसको नॉब को घुमाने पर ये इसके स्विच की कंटिन्यूटी आने लगती है और लैंप पूरी गति से चल रहा है। जब हम इसको जब हम इसको कांटेक्ट पॉइंट के साथ लगाते हैं तो ये दो टर्मिनल अपने बाहर निकलते हैं, जिसपे न्यूट्रल दिया जाएगा, यहाँ फेस दिया जाएगा। तो अब हम इस पे लगाने के बाद ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्मोस्टेट भी काम कर रहा है। अगर इस कंडीशन में अगर ये काम नहीं करता है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर थर्मोस्टेट के अंदर फॉल्ट है तो थर्मोस्टेट स्विच को हम यहाँ से प्लायर से इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे खोलने के बाद हम इसको ये इस प्रकार से हम इसको खोल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने खोला है इन दोनों स्क्रूओं को, यहाँ से ये इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये एक टर्मिनल यहाँ पर लगा होता है एलिमेंट पे, जो हम निकालते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमने पूरा बाहर निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके टर्मिनल जो होते हैं ये काम करते करते क्या होता है, इससे कार्बन आ जाता है कई बार, और ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट इसके जुड़ नहीं पाते। जुड़ नहीं पाने से ये इसका सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में ये खराब हो जाता है। ये कांटेक्ट पॉइंट जल जाते हैं बार बार टूटने और जुड़ने से, ये खराब हो जाता है। उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पर ये नया
स्विच लगाते हैं जिसके कांटेक्ट पॉइंट सही होते हैं। अगर हम देख लेते हैं पूरी तरह खराब हो गए हैं तो नया स्विच बदल देना बेहतर होता है। अगर थोड़ा बहुत इसमें काम है तो हम इसको रेगमाल या सैंड पेपर के द्वारा इसके कांटेक्ट पॉइंट को थोड़ा सा साफ करके भी इसको सही कर सकते हैं। ये हम चेंज कर देंगे। अगर अभी हमने देखा था एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक करने पे आ रही थी, अगर ये नहीं बताता है, अगर मान लीजिए कि ये ओपन सर्किट है, ये यहाँ पर लगाने के बाद ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है, लैंप हमारा कोई प्रकाश नहीं देता है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि ये एलिमेंट कहीं से ब्रेक हो चुका है, मतलब ओपन सर्किट है। उस कंडीशन में हम इसको चेक इसको चेंज कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं, एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ से इसको ये निकाला जाता है, इसको ग्रिप को धीरे धीरे करके ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे पास निकला हुआ रखा हुआ है, ये इसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फॉल्ट हुआ है, इसमें जो एलिमेंट होता है नाइक्रोम तार का वो यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से आप अंदर देखेंगे ये ब्रेक हो जाता है, ये ट्यूब नुमा यहाँ से टूट गया है, इसलिए ये पूरी कंटिन्यूटी इसकी नहीं आ पाती और ये खराब हो जाता है। अंदर क्या पाउडर है, अंदर क्या होता है इसके, ये एल्युमिनियम की ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक नाइक्रोम तार की एक स्प्रिंग नुमा जो क्वाइल लगी हुई है, इसको इसके द्वारा इसको अलग रखने के लिए, पृथक बनाए रखने के लिए एक इंसुलेशन होता है जो चूर्ण प्रकार का होता है, ये एक पत्थर का होता है, जैसे मार्बल पत्थर का चूर्ण भर दिया जाता है ताकि के एलिमेंट इससे शॉर्ट सर्किट ना हो। ये इस प्रकार के मार्केट में बने हुए उपलब्ध होते हैं। जब ये खराब हो जाता है तो हम यहाँ पे मार्केट से लाके इसको निकाल के यहाँ रखते हैं, इसके साइज के होता है, अलग अलग वाटेस के होते हैं, इसको रखने के बाद इसको बड़ी सावधानी से निकालते हैं, निकालने के बाद पूरा साफ कर लिया जाता है ताकि कोई भी कण मिट्टी न रहे। और इसको रखने के बाद हम यहाँ पर एक लकड़ी का गत्ता देख रहे हैं या टुकड़ा देख रहे हैं, इसको रखने के बाद इससे और ये हथौड़े की सहायता से बिल्कुल आराम से हम इस पे ठोकते हैं और इससे छुलेना इसको हम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं इसको, ये एलिमेंट भी हमारा ठीक हो गया। थर्मोस्टेट स्विच भी अगर कोई खराबी है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद मुख्य बात होती है, हमने आपको बताया था कि इसमें थर्मोस्टेट स्विच ये तो एक प्रकार का एक मैकेनिज्म है, लेकिन ये थर्मो को मतलब हीट को सेंस करने वाला ये पत्ती लगी हुई है, ये दो धात्विक होती है, दो धातुओं से बनी होती है, एक हार्ड होती है और एक नरम होती है, जैसे कि एक आयरन की होती है एक कॉपर की होती है। ये किस प्रकार से काम करती है, हीट जब इसके अंदर उत्पन्न होती है तो ये अपना आकार चेंज कर लेती है, जैसे अभी ये एसी लगी है सीधी, जब धीरे धीरे ये हीट होती है तो ये मुड़ने लगती है, आकृति चेंज करती है, जिसके द्वारा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को ओपन कर देती है। अब हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये प्रेस था, ऑटोमेटिक प्रेस था, उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में उनको चेक करना बताया, थर्मोस्टेट को भी आपने चेक करना बताया, उसको कैसे रिप्लेस करते हैं वो भी हम बता रहे हैं, जो क्वाइल है उसको भी कैसे चेक कर सकते हैं। क्वाइल के अंदर सर ने बताया नाइक्रोम धातु की एक क्वाइल होती है, स्प्रिंग नुमा क्वाइल होती है, जो कि हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसको सप्लाई विद्युत सप्लाई देने पे वो गर्म होती है। वो क्वाइल बॉडी से टच ना हो इसलिए उसके अंदर एक इंसुलेटर पदार्थ लगाया हुआ है। और अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो थर्मोस्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वापस इसके बॉडी के साथ जोड़ रहे हैं। ये आप देखते जा रहे हैं कि टूल्स का औजारों का कैसा उपयोग कर रहे हैं। अभी ये नोज प्लायर की सहायता से थर्मोस्टेट को इसमें वापस दोबारा इसमें लगा दिया गया है और इसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो वापस उसमें थर्मोस्टेट का कॉइल के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से वो ये यहाँ पर आपको ये लैंप दिखाई दे रहा है, ये इसके लैंप जो है इसके पैरल में लगाया एलिमेंट के, नियॉन लैंप बोलते हैं, इसके सीरीज में एक कार्बन रेजिस्टेंस लगा होता है क्योंकि 220 वोल्ट या 230 वोल्ट इसके ऊपर आते हैं, इसलिए ये छोटा होता है, इसके सीरीज में एक कार्बन रेजिस्टेंस लगा होता है और ये यहाँ पर इसके पैरल में लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्या स्थिति बताता है, जब तक इस एलिमेंट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी या सप्लाई इसके अंदर होगी तब तक ये लैंप इंडिकेट करता है कि इसके अंदर सप्लाई जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया एलिमेंट को और ये इस थर्मोस्टेट स्विच सीरीज में लगा हुआ है, लैंप पैरल में लगा हुआ है, ये आपके दो कॉन्टेक्ट पॉइंट बाहर आएंगे और जैसे कि हमने बताया कि ये जाके न्यूट्रल और फेस के साथ अपने स्थान पे लग जाएंगे।
इसको आगे असेंबल अब कैसे करना है? आगे हम देख रहे हैं कि ये हमने पूरा टेस्ट कर लिया, एलिमेंट हमारा ओके है, अगर बदलने के बाद भी ये हमने बदल दिया है और इसको ये कर दिया, इसको भी हमने चेक कर लिया, फिर हम इसको लगाते हैं। इसको लगाने के समय हम यहाँ सावधानी रखेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर अपने अपने स्थान से निकाले जाए। तो इसको लगाने का तरीका ये रहेगा कि पहले हम इसको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये हम ऐसे रखते हैं, इनको इन ये छोटे छोटे बारीक बारीक जो छेद दिख रहा है यहाँ से हमें निकालना होता है इसके अंदर से। तो इसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर, ये आप कैमरे में देख सकते हैं दिख रहा है, ये हम देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने बेस प्लेट आ गई है। अच्छा आप इतना आप समझ लें कि हाँ इसके अंदर डालना है अपन को, तो एक साइज वाइज अंदर घुसाना। हाँ ये यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये दोनों वायर कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाते हैं, इंडिकेटर लैंप को हम और बाहर निकालते हैं, यहाँ पर ये लैंप यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर ये दिख रहा है लाल, ये इस स्थान पे इस लैंप को हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, और ये कांटेक्ट पॉइंट को हम यहाँ लगाएंगे। पहले उससे पहले हम यहाँ के स्क्रू से इसको प्लेट को टाइट कर देते हैं, यहाँ पर इसको बिल्कुल छेद छिद्र मिला लेते हैं इसके छेद, और इसके जो स्क्रू इसके साथ निकले हुए थे हम उन्हीं का प्रयोग इसके अंदर करते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बड़े स्क्रू ड्राइवर, ये थोड़ा अंदर होता है, इसमें मैग्नेटिक होता है, इसको लगा के हम बिल्कुल सावधानी से हम इसको लगा सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे लगाना क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए। हाँ मैग्नेट थोड़ा सा इसका वीक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब हम बेसिकली सारे जो स्क्रू जितने भी हमने निकाले थे हम वापस अंदर डाल रहे हैं हाँ, ताकि वो फिर से चल सके। जी चलिए हम देखते हैं इसको, अगर एक कोशिश करते हैं अभी इसको लगाने की। तो सावधानी रखें कि जो स्क्रू आपने निकाला है उसे अच्छे से रखें ताकि हाँ, वापस भी लगाना, वापस भी लगाना होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमने यहाँ लगा दिया, उसमें कर दिया है। हाँ ये वो थर्मोस्टेट वाले जो पॉइंट से वो जो हाँ उसी 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 में बैस पे लग जाता है। चलिए ठीक है, अब अगला स्क्रू भी हम इसमें लगा देते हैं, ये लगा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने दोनों स्क्रू लगा दिए हैं, अब हम इसको मेन कार्ड को इसके साथ लगा देते हैं, यहाँ पर इसके स्क्रू जो लगे हुए हैं इस हिसाब से, यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल का है, ये फेस का है, तो हम यहाँ पर ये टर्मिनल के साथ इसको स्क्रू में लगा देते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया है। क्या मशीन में कहीं दिखा रहता है कि न्यूट्रल है या फेज है? हाँ ये यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह होते हैं इसके, स्टैंडर्ड जो सिंबल्स होते हैं इसमें लगे होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है लाइन का तार या फेस का तार इसी स्थान पे लगाना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरा जो दिखाई दे रहा है एन, एन मतलब न्यूट्रल ब्लैक वाला, यहाँ पर लगाना है अपन को इस पे कॉन्टेक्ट पे, तो हम इसको लगाएंगे। और ग्रीन तार जो है अर्थ के लिए होता है, इसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, ये अर्थिंग का सिंबल भी दिया हुआ। हाँ यहाँ पर ये सिंबल्स है, पूरे प्रतीक है, ये हमने ब्लैक कलर का तार इसके अंदर लेके इसके अंदर लगा देते हैं पहले। तो जो भी कलर कोड है और जो सिंबल है उसके मुताबिक ही लगाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही लगाना चाहिए, क्योंकि जब अपन यहाँ पर सिंबल्स के आधार पे लगाएंगे तब हमारा ये 5-पिन प्लग जो होता है इसके अंदर भी उसी सिंबल्स के साथ या इसी स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सिंबल्स देखे, इसके अंदर भी सिंबल्स है, वही सिंबल्स यहाँ है, उसी सिंबल्स से जब अपन सब इसको एक उस पॉलिटी पे लगाते हैं तो ये उसी हिसाब से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सब जो वायर होते हैं सब अपने अपनी जगह लग जाते हैं। अगर एक भी वायर इधर उधर होता है तो सप्लाई चेंज हो सकती है, इसकी पॉलिटी चेंज हो जाती है। हमने अर्थ को भी कनेक्ट कर दिया इसकी बॉडी के साथ, ये लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसको हम अंदर रखते हैं थोड़ा सा वायर को, और यहां पर ये वायर निकल के निकल ना जाए इसके लिए हम यहाँ पर एक क्लैंप क्लिप होती है जो के अंदर इसको लगा के रखती है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लैंप को लगाया जा रहा है, ये क्लैंप वायर को बांध के रखती है। हाँ, मतलब ये टाइट कर देता है। और इसके बाद ये इसका बाहर वाला कवर लगाता है। हाँ, ये बाहर वाला अपना कांटेक्ट पॉइंट इसके अंदर चला जाता है, ये इसका पीछे वाला स्क्रू यहाँ लग जाता है। ये देखिए आपका ये पूरा हो जाता है। फिर इसको नाप को बिल्कुल सही यहाँ पर देख के इसके अंदर एक स्थान होता है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट पे, इसको लगाते समय सावधानी रखना चाहिए कि इसे सही जगह पे लगे नाप। इसको लगाने के लिए अपन को देखना होता है कि वो उचित स्थान पे लगे। कई बार नॉब सही लगता नहीं है ना। हाँ, नहीं लगने से उसमें परेशानी हो सकती है और उसकी सेटिंग खराब हो सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये नॉब में एक एक हिस्सा है कटिंग वाला, वो कटिंग वाले हिस्से को उसके साथ नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसके साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। चलो ये देखिए ये हो गया, और इस सर ये प्लेट भी रह गई है छोटी। हाँ, ये इसको प्लेट को हम पीछे लगाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एलिमेंट को भी हम देख सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है, पहले यहाँ पे लगा देते हैं और ये कांटेक्ट पॉइंट को हम यहाँ लगा देते हैं। कहाँ किस औजार का उपयोग करना है ये आपको लगातार प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये आपका प्रेस ठीक पहले की तरह असेंबल हो गया है, ये सारे वायर्स वगैरह प्रॉपरली कनेक्ट हो गए हैं, और इस समय भी प्रेस आपका गर्म होने के लिए तैयार है। इसको सर चेक कर सकते हैं कि अभी सही गर्म हो रहा है नहीं। हाँ, चेक कर सकते हैं हम, इसको टेस्टिंग लैंप में लगा के देख लेंगे पहले। ये स्क्रू निकल गया उसका। अच्छा, अंदर घुस गया। ये देखिए ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये ऑन स्थिति में गरम, तो जैसे आप देख पा रहे हो एलईडी लाइट जल रही है, सॉरी नियॉन लाइट जल रही है। और हम ये गरम हो रहा है ये तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन टच करने से आपको पता चल जाता है कि ये गरम हो रहा होने लगा। तो दोस्तों आपने इन वीडियोस में ऑटोमेटिक प्रेस के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन किया, इसमें होने वाले फॉल्ट्स के बारे में आपने बड़ी गहराई से अध्ययन किया, इसके सर्किट के बारे में समझा आपने, इसके अंदर जो अंदर के जो बना जो सामान होता है कॉइल और थर्मोस्टेट वगैरह उसको कैसे चेंज करना है वो भी समझा। उम्मीद है कि इन वीडियोस से आपको जरूर फायदा हुआ होगा और आप कम से कम प्रेस को सुधारना सीख गए होंगे। और भी हमारे रोचक वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।